कोशिश करूंगी, पहली बार बना रही हूँ कि अच्छा बन जाए। मेरा चूल्हा बन गया आधे घंटे में मैंने ये। इस टाइम जो है 4 बजे हैं और मैं जो है यहाँ चाय बना रही हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, डॉक्टर के पास भी गई थी पर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, फिर आई दवाई खाई और काफ़ी हद तक जो है ठीक हो गई। और रही बात गाय की, जो खुड़ में है मतलब कि ओबरी में है, हमारे ना इधर खुड़ बोलते हैं, वो भी जो है इस टाइम के लिए ठीक है। सुबह तो जो है बिल्कुल नहीं उठ रही थी, उसके लिए भी डॉक्टर आए, उसको ड्रिप लगे हैं और वो भी जो है अभी हल्की सी ठीक है, बाकी जो है कल तक पता चलेगा उसका भी। और छोटी सी बच्ची है वो भी ठीक है, वाइट कलर की है। और मैं जो है यहाँ पे, मैंने बताया था ना कल लाइव में कि गिरजा ने जो है वो दिए हैं, उफ्ते दिए थे, यहाँ देखो थोड़े तो मैंने ऐसे ही खा लिए, मैंने ऐसे ही रख दिए थे वो फ्रिज में, उस टाइम मन नहीं था खाने का, लेकिन अभी मन हुआ तो मैंने गर्म कर दिए और चाय बना रही हूँ। और अब हम जो है सब चाय के साथ ये खाएंगे, ये है हस्बैंड और ये रौनक। हम क्या करते हैं कि इधर देखो, ये जो है अभी आए ये, और रौनक के जो है कल पेपर है ना, तो रौनक थोड़ी बहुत स्टडी करा था, अभी इसका भी जो है कोफ्ते खाने का मन है, तो चटनी के साथ हम खाते हैं इनको। फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अभी जो है मैं बाहर यहाँ बाहर सोच रही हूँ, अगर सो के रहूँगी, रेस्ट काफ़ी कर लिया है, सोच रही हूँगी यहाँ बाहर एक चूल्हा बना देती हूँ। अभी तो सीमेंट का ही बनाऊँगी ना, तो बाद में जो है मिट्टी का बना दूँगी, क्योंकि उसके लिए लाल मिट्टी चाहिए रहती है, उसके लिए मुझे जो है थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, इतनी मेरी अभी हिम्मत नहीं है। लेकिन सीमेंट का भी अच्छा होता है, फिर कल दिन मुझे जो भी खाना वगैरह बनाना होता है, जैसे भुट्टे वगैरह भुनने होते हैं ना, तो वहीं यहीं हो जाएंगे। और मम्मी और डैडी आगे हैं, यहाँ पे जो है पिलर वगैरह में पानी देना पड़ता है, ऊपर तो छत पर जो है बारिश हो गई थी, नीचे पिलर वगैरह में, नीचे जाने से अच्छा है फिर हम यहीं रुक गए, पानी तो सुबह शाम पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जी, कैसे बने हैं? टेस्टी बने हैं। हाँ टेस्टी बने हैं, फिनिश कर दिए। यहाँ पर सैंड लेने क्यों आए? मैं आज चूल्हा बनाऊंगी नीचे रौनक। वाओ, कोशिश करूंगी, पहली बार बना रही हूँ कि अच्छा बन जाए। और मम्मा जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये खाना बनाने का होता है? हमारे पास वो नहीं है ना टूल्स, अभी हम मिस्त्री बनने की तैयारी कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो यहाँ से हम सैंड ले जाएंगे। मैं आता तो हाथ का यूज करता, पर हाँ मम्मा को अपने हैंड डर्टी नहीं चाहिए, इसलिए। रौनक पूरी तैयारी में लगा है, हाथ से ही दे दे दे, रौनक को बहुत कम मौका मिलता है ऐसे हाथ लगाने में। देख लीजिए, मैं तो इतनी जल्दी कर रहा था, मम्मा अगर इससे करते ना तो आवाज लग जाते। अच्छा, और बहुत कम मौका मिलता है सैंड में हाथ लगाने का, आज मिल रहा है। बस बस बस, फिर उठा भी दे। सिलेंडर मम्मा, सिलेंडर। और मौसम देखो कैसा है, सुबह बारिश हो रही थी और अभी अच्छा है। यहाँ से हम सीमेंट ले जाएंगे, मैंने ग्लव्स लगा दिए हैं, क्योंकि अगर हम ग्लव्स नहीं लगाएंगे ना तो हाथों से ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि आदत नहीं होती ना सीमेंट से, हाथ एकदम से फट जाते हैं। और मुझे तो मास्क भी वेयर करना चाहिए था, क्योंकि सीमेंट से ही मुझे जो है जुकाम वगैरह हुआ, बट इट्स ओके। मैं तो थोड़ा बहुत सीमेंट में हाथ लगा भी लेता हूँ, एक बार नानी वहाँ पर हम बना भी रहे थे कुछ, पता नहीं स्टेयर केस हाथ लगा लेता है। मेरी मिस्त्री ने बताया था 1:3 का हिसाब होता है, रेत में जो है 1/3 भाग सीमेंट का जाता है, तो उसी हिसाब से मैं भी निकाल दूंगी, 1/3 जाता है। और ये देखो ये जमनी सी भी शुरू हो गई है, कोई कोई आई थिंक हो गई होगी रौनक, है ना? यस, दैट्स इनफ। तो देख लीजिए हम ऐसे मिक्स करते हैं, ये उसके साथ तो बड़ा गियर चाहिए रहता है, पर हमारे पास अभी गियर्स नहीं है, वो मिस्त्री के पास है, तो हम इससे कर रहे हैं। पता नहीं अब इसे खाना कैसे बनाएंगे। लेट्स मिक्स टुगेदर। मैंने इसको यहाँ नीचे ही निकाल दिया है, ताकि जो है नीचे अच्छे से मिल जाए। ओ यार, ये क्या लेके आ गया? ये बड़ा है बेटा, ये तो बड़े काम के लिए होता है। मैंने ये सोचा कि सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे मिट्टी लोग करते हैं। मेरी सीटी आ रही है ना, मैंने खाना लगाया है। चलो रौनक, पानी डालो इसमें, तो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा कम डालना है, जितना ये सूखा सा बनाना है, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं। मसाला तैयार है, चलिए चूल्हे का पैटर्न बनाते हैं। ये तो है, हम बाद में हटा देंगे यहाँ से। तो चूल्हे का पैटर्न बनाने के लिए हम छोटा सा चूल्हा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे।
चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी जगह में मैक्सिमम जो गांव है ना वहां होता ही होता है, और चूल्हा होना भी चाहिए। जैसे हम भुट्टे वगैरह बुनते हैं, जो आलू नहीं होता, जो अरबी होता है जिसको हम शैला आड़ू भी बोलते हैं, वो जो है भून के खाने में बहुत टेस्टी होता है, और जो लोकल आलू आते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा जो है ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है, तो इसीलिए जो है मैं चूल्हा हमेशा ही प्रेफर करती हूँ। होना ही चाहिए घर में, जो राख होती है ना उसके नीचे जब हम ऐसी चीज़ें डालते हैं भुनने के लिए काफ़ी अच्छी बनती है। और हुआ क्या, पिछले दिनों जो है जैसे भुट्टे वगैरह लाते हैं ना हम सितरू बोलते हैं हमारे, उसमें जो आग पे भुनते हैं वो खाने को अच्छे होते हैं, और आग नहीं जलती है, और फिर हम जो है अंगीठी वगैरह में जो है ज़्यादा आग जलाते नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़े वो कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। गैस पे हम कितना अच्छा भी भून लो पर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो अभी सीज़न गया नहीं है, भुट्टे अभी भी हैं, तो हम क्या करेंगे कभी आग में जो है भुट्टे पका के खाएंगे। और यहाँ पे जो है मेन क्या रहेगा कि कभी भी अगर हम चाहो तो दाल चढ़ा सकते हैं। एक प्रेशर कुकर पड़े ही तो होते हैं घर में, वो क्या करेंगे यूज़ कर देंगे, एक प्रेशर कुकर और एक पतीला। और जो ये मैंने अभी लगाया ना, ये जो है एक शेप सी बनी होती है, और इसमें पहले मिट्टी का चूल्हा बना था, मैंने इसको यहाँ पे इसमें फ़िक्स कर दिया है ताकि आगे से इसका जो है मुँह अच्छा बन जाए, और अंदर को ना मैंने गुलाई सी दे दी है, क्योंकि मुझे पता है अगर चूल्हे में जो है गुलाई नहीं देते हैं ना तो जो आग होती है ना वो हर कहीं टकराती है, इस तरह से आग ऊपर को आती है अच्छे से। और मैंने छोटा सा बनाया है पर अच्छा बन गया था, और ऊपर को मैंने ये शरीर का टुकड़ा लगा दिया है, जैसे बच्चे पड़े रहते हैं ना इधर को, तो वही लगा दिया, और ऊपर को अब अच्छे से सीमेंट को सीधा कर दूंगी। पहले तो मैंने ये अच्छे से लगा दिया था इसमें, अब इससे हमारे पास नहीं था ना टूल्स वगैरह अच्छे से नहीं थे, पर जो भी था जितना भी था मेरा अच्छे से बन गया चूल्हा। पहली बार ही मैंने ट्राई किया, पर मैंने देखे हैं बनाते हुए, मैंने जो है मेरे सास को और मेरे मम्मी को जो है मिट्टी वाले जो क्ले के नहीं बनते चिकनी मिट्टी के, वो वाले चूल्हे बनते हुए देखे हैं। और ऊपर को मैंने ना ये जैसे हमारे पास गैस पड़ी रहती है ना पुरानी, एक साइड से हल्की सी दरार आई थी इसमें तो रखा था ये स्टोर में, मैंने आगे से मंगवा दिया था, ये भी मैंने इसमें फिक्स कर दिया ताकि जो है जब बर्तन लगे ना आग में जो है धुआं आगे को ना निकले, इसके नीचे से इधर उधर से निकल जाए। और मैंने इसमें जो है पाइप भी नहीं लगाया है, क्योंकि ये सिंपल चूल्हा बनाया है, मतलब कि बर्तन काले करने वाला चूल्हा, ताकि जो है दो तीन बर्तन बाहर के लिए मैं ऐसे ही रख लूँ। थोड़ा सा मसाला कम हो गया फिर हमने मिलवाया, और इसका जो है फिर इसमें फिनिशिंग दे देंगे, और बाहर को जो लगता है ना जैसे आग वगैरह निकालते हैं जिसपे, जैसे हम तो घर्षण बोलते हैं उसको, कोयला जिसको बोलते हैं, ग्राशन भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो वो निकालने के लिए। तो बस इसी तरह से ही मैं अभी इसमें अच्छा सा कर दूँगी इसको, तो उतनी जो है उतनी सफाई तो नहीं आ पाई जैसे एक बिल्कुल साफ करके होता है ना, उसके लिए तो वो चाहिए होते हैं इसके लिए अच्छे टूल्स। पर हाथ से भी मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया था, और काफ़ी सुंदर सा लग रहा था, और मुझे कब से था कि मैं ये बनाऊंगी। और तो रौनक को देखो तो बिना हाथ से ग्लव्स लगाए ये लग गया था, और इसके हाथ में कुछ नहीं हुआ, और मेरे भी अंदर सीमेंट चली गई थी, हाथ में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा था कि पता नहीं, कोई बोलते कि सीमेंट से जो है ब्लड भी निकल जाता है, हाथों से तो नहीं हुआ, रौनक तो बिल्कुल ही। और बच्चों को ना मज़े भी आते हैं ऐसे ऐसे काम करने में। और मैंने ना इस तरह से पहले ये बड़ा सा बना दिया था, फिर मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़ा सा बन गया है, और सीमेंट भी थोड़ी पानी वाली जैसी हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने इसको दोबारा से फिर अच्छे से सॉरी खांसी हो गई थी बीच बीच में, वॉइस ओवर करते हुए भी खांसी हो रही है, तो मैंने इसके बाद जो है इसमें हल्की सी जो है और फिर से सैंड मिला दी थी। उसके बाद जो है फिर दोबारा से थोड़ा टाइट सा हो गया था क्योंकि इतना पता नहीं लगता, और फिर थोड़ा ऊंचा सा भी बनाया और छोटा सा बनाया। चूल्हे के हिसाब से ही बनना चाहिए ना चूल्हा, फिर बड़ा हो तो बड़ा आगे को निकले ये भी, लेकिन जो है चूल्हा मेरा छोटा था तो मैंने इसका आंगन भी छोटा सा ही कर दिया, और चूल्हा जो है परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि चलो ऐसे तो नहीं हुआ कि बना ही नहीं, मुझे लग रहा था कहीं ये भी हो सकता है कि चूल्हा बिल्कुल ही ना बने। तो मेरा चूल्हा बन गया, आधे घंटे में मैंने ये बना दिया है, और यहाँ से मैंने ये ऊपर को इसीलिए रखा है ना, थोड़ा सा ऐसे को जब आग जलती है ना तो फिर ऐसे को यहाँ के लिए मुड़ जाए, और जब यहाँ बर्तन लगे तो है अच्छे से हमारा खाना पक जाए। और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा बन गया, ये नाली तो यहाँ नहीं रहेगी, और यहाँ पर जो है आग अब कल ही जलेगी, क्योंकि अभी तो जो है ये सूखने को रखूंगी। थोड़ी सी सफाई नहीं आई है उतनी, पर जितनी भी है सही है। साथ कॉन्टैक्ट में रहते बोलने लगती हूँ ना खांसी हो जाती है। और पानी देखो तो सारा ये भगवान ने दिया है पूरा छत के लिए, ये देखो इतना सारा पानी हो गया हमारे छत के लिए। थोड़ी देर यहाँ बारिश होती रहे हम, मौसम देखो और रात होने वाली है, थोड़ी देर हम यहाँ रहेंगे फिर नीचे चले जाएंगे।
खांसी की वजह से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तड़का लगा दिया है मैंने, इसको मैं टमाटर गलने के लिए डाले हैं राजमा की दाल। और अनक देखो कहाँ है यहाँ पे, और ये चूल्हा दिखा रहा है, इसके पापा आगे है। मैं बाहर पूछती हूँ जरा कैसा बना है चूल्हा, तब तक जो है टमाटर भी गलते रहेंगे। अनक की इंस्ट्रक्शन आई है कि एकदम घनी वाली राजमा की दाल खानी है। चलो पूछती हूँ जरा कैसा बना है, कुछ ना कुछ तो नुक्स निकल ही जाएगा उसमें। कैसा बना है चूल्हा, कैसा बना है? ये मस्त बना है, बस थोड़ी सी कमी से पता क्या है, ये थोड़ा आगे कौन सी था, जैसे बड़ी कढ़ाई लगानी होगी तो कैन कोन के लिए ना, तो कैसे लगाएगी दोस्त? बड़ी हमने लगानी नहीं है, छोटी नहीं लगेगी इसके लिए। हमने ना वो दूसरा वाला चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा होता है ना, वो भी इसी के साथ सटा के बनाना है, ताकि दो चूल्हे दो चीजें बननी जाए। हाँ नहीं, एक चूल्हा हम यहाँ बनाएंगे, एक चूल्हा हम थोड़ा यहाँ पर बनाएंगे। नहीं, वो जो है मिट्टी का बनेगा और वो थोड़ा बड़ा बनेगा इससे। नहीं, इसमें काफी बड़ा बर्तन लग जाएगा वैसे। कढ़ाई के बोलो वैसे नहीं, कोन के लिए दिक्कत आएगी इसमें, बाकी तो ठीक है। देखा ना, देखा ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लगा दो। अब देखो तो ये लगा रहे और लग जो गया आसानी से, ये भी अच्छा लग गया। चल चलो रातों की रौनक, बाहर नहीं रहते। मैंने बोला था ना कुछ तो बोल ही देंगे, पर लग जाएगा उस पे, मुझे पता है, इतना तो आइडिया होता ही है। हाँ रौनक, ठीक बनी है दाल? खुद ही निकालता है रौनक खाना। खाना वाना खा के वीडियो का भी एंड कर दिया था, लेकिन 9:30 बजे जो है चाचा जी अचानक से आ गए और इन्होंने बताया कि जो है हमारे रिश्तेदारी में बहुत क्लोज हैं, तो वहाँ पे जो है डेथ हो गई है। कल पता क्या हुआ, सोने से पहले भी और सोने के बाद भी बुरी न्यूज़ मिली, और इन्हें जो है अभी ही निकलना है यहाँ से, काफ़ी दूर है राजगढ़ साइड, सिरमौर साइड। तो अभी जो है यहाँ चाचा जी फ़ोन पे ही बात कर रहे थे, पता कर रहे हैं इधर उधर, तो हस्बैंड भी फटाफट से तैयार हो गए, चाची जी भी आए थे, बैठे थे। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, ये मेरे फ़ोन हाथ में था ना, इसीलिए वीडियो बन गई इतनी सी, तो ये चले गए। रात भर जो है ठीक बारिश हुई, और सुबह मैं जब उठी तब भी बारिश हो रही थी, अभी हल्की सी रुकी तो वीडियो बना दी थी, और लेंटर जो है ना फुल हो गया था पानी से, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। पर जो है लेंटर के लिए पानी तो हमारे लिए वरदान ही साबित हुआ। अभी भी मौसम ख़राब है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो चलिए इससे पहले कुछ बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग, 7 बजे हैं सुबह के, और रौनक अभी अंदर गया है टॉयलेट में, और मैं सो के उठी, मैं ऊपर गई थी छत पे, मैंने दिखाया कि बारिश हुई है रात भर, और जो वो पैच पैच से बने हैं ना, वो पैटर्न से फुल हो गया उसमें पानी, नहीं तो हमारे को खुद से डाल के करना पड़ता। और शाम को जो है 10 बजे जो है हस्बैंड वगैरह यहाँ से चले गए। क्या हुआ कि जो मेरी एक ननद है उसके जो है ससुर एक्सपायर हो गए, और बहुत अच्छे थे वो, और शाम को जैसे ही पता चला, फिर चाचा जी, चाची जी, मम्मी, देवर और हस्बैंड सब लोग, मुझे अभी पूरा पता भी नहीं है कौन कौन गए हैं, बस एकदम से तैयार हो गए। चाचू और चाची इधर आए थे, बुरी खबर मिली शाम को ही। थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाई, फटाफट से मैंने बस यही, वो तैयार हो रहे थे ना उस टाइम, मेरे वीडियो मेरे मोबाइल हाथ में ही था, तो मैंने वो वीडियो बना दी। तो सुबह में और एक बुरी न्यूज़ मिल गई। आजकल ना बहुत ज़्यादा बुरी बुरी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या। दीदी ने भी किया था परसों फ़ोन, मतलब कि 4-5 तो एक दिन में ही सुन ली। सुबह सुबह फिर फ़ोन आ गया, हस्बैंड का ही आया, उन्होंने बताया कि वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, उधर भी कुछ एक एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी जो है डैडी को फ़ोन करूँगी मैं, डैडी देखते हैं फिर ऊपर आएंगे या मैं नीचे। मैं तो मुश्किल हूँ क्योंकि रौनक की जो है बुक्स वगैरह यही है, फिर इसी वजह से तो है बार बार नहीं जाते। और यहाँ देखो मशीन रखी है हमने उधर साइड को, कहाँ है जी, यहाँ देखो जो हमारे पिलर होते हैं ना उसमें जो है मशीन से पानी डालते हैं। और ये देखो रौनक भी उठ गया है, गुड मॉर्निंग। रौनक का पेपर है आज, तो चलिए फिर इस वीडियो का ना मैं यहीं ऐड कर देती हूँ अभी सुबह में ही, क्योंकि फिर रौनक के पेपर भी हैं, फिर और भी, पहले तो मैं पानी डालना शुरू कर दूँगी अब उधर पिलर्स वगैरह में, रौनक हेल्प करेगा ना मेरी। हाँ जी, फिर चलिए फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।